हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और अपने इस लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन्स में अभी तक हमने चार इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश करने वाले टेस्ट को पढ़ लिया था, दैट इज टॉलेंस टेस्ट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट, और सिल्वर आयन यहाँ पर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। और क्या काम करता है टॉलेंस रिएजेंट? टॉलेंस रिएजेंट जो है एल्डिहाइड के साथ, टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करता है। कीटोन्स टॉलेंस रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने बात किया फैलिंग सॉल्यूशन के बारे में, तो कॉपर सल्फेट और साथ में कॉपर सल्फेट के साथ साथ रोसेस सॉल्ट, तो कॉपर सल्फेट और रोसेस सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है फैलिंग सॉल्यूशन, ओके। और फैलिंग सॉल्यूशंस के अंदर जो रिएक्टिंग स्पीसीज होगी वो कॉपर 2 प्लस आयन्स होंगे, क्यूप्रिक स्टेट में वो रिएक्ट करता है और क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट बनाता है। तो फैलिंग सॉल्यूशन रिएक्ट विद एल्डिहाइड और ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड गिव रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, और क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट देता है, इट गिव्स रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। तो ये हुआ फैलिंग सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है फैलिंग सॉल्यूशन में, अगर एरोमेटिक ग्रुप के ऊपर सीधा CHO ग्रुप है जैसा बेंजल्डिहाइड में है C6H5CHO, तो बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करा पाएगा फैलिंग सॉल्यूशन, बिकॉज फैलिंग सॉल्यूशंस आर वेरी वेरी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये टॉलेंस रिएजेंट से भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमने बात किया बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट के बारे में, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सिट्रेट, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सिट्रेट इज कॉल्ड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सिट्रेट जहां पे सोडियम लिथियम पोटेशियम आयन्स हो सकते हैं, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सिट्रेट इज कॉल्ड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इट्स ऑल केमिकल रिएक्शन इज अकॉर्डिंग टू द फैलिंग सॉल्यूशन, बिकॉज हियर ऑल्सो द रिएक्टिंग सब्सटेंस इज Cu2+ ion, यहां पर भी रिएक्टिंग सब्सटेंस Cu2+ ion रहता है, इसलिए सभी केमिकल रिएक्शन इसके बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के, फैलिंग सॉल्यूशन के जैसे ही होंगे। देन हमने बात किया उसके बाद आपसे शिफ्ट टेस्ट के बारे में, तो मैजेंटा डाई, पैरा रोजा नालीन हाइड्रोजन क्लोराइड, पैरा रोजा नालीन हाइड्रोजन क्लोराइड इज कॉल्ड शिफ्ट रिएजेंट। इट्स कलरलेस सॉल्यूशन, डीकलराइज बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करके पहले इसको कलरलेस में कन्वर्ट करते हैं, और इसका जो कलरलेस सॉल्यूशन है, इट्स कलरलेस सॉल्यूशन गिव पिंक कलर विथ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ पिंक कलर देता है, कीटोन्स के साथ ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता है, डू नॉट गिव एनी रिएक्शन विथ कीटोन्स। तो दिस इज अबाउट द शिफ्ट टेस्ट। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट, द कंपाउंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच CH3CO एंड CH3CHOH ग्रुप इज प्रेजेंट, इट गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म और हेलोफॉर्म टेस्ट विथ एल्कली एंड आयोडीन, ओके। तो यहां तक हम लोगों ने बात किया था डिस्टिंग्विश करने वाले टेस्ट के बारे में, ठीक है, जबकि मैंने आपको बताया था कि आयोडोफॉर्म टेस्ट डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने बात करना शुरू किया ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में, तो K2Cr2O7 जैसे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो
कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, और कीटोन्स को भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेंगे। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन की कंडीशन है, इफ देयर इज कंडीशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, देन कार्बोनाइल ग्रुप इज अटैच विद द लोअर कार्बन मेंबर अकॉर्डिंग टू पोपॉप्स रूल। ओके, तो ये इतनी सारी बातें किया हम लोगों ने। उसके बाद हमने बात किया ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम ऑक्साइड। तो सेलेनियम ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो CH3 ग्रुप को CHO ग्रुप में कन्वर्ट करता है, अल्फा CH3 ग्रुप अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के पास जो अल्फा सिचुएशन है, अगर उस पे CH3 ग्रुप है तो उसको CHO ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, और अगर अल्फा पोजिशन ऑफ कीटोन है तो CH2 ग्रुप है कीटोन के पास, तो वो CO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन, CH2 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CO ग्रुप, ठीक है। और CH2 ग्रुप अगर एक अल्फा पोजीशन है, एक तरफ CH2 है, तो CH2 ग्रुप रेडिली मतलब फास्ट रिएक्ट करेगा, तो वो कीटोनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक के सभी ऑक्सीडेशन स्टेप पर हमने बात कर लिया था आपसे, सेलेनियम ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। साइक्लोहेक्सानॉन के बारे में भी हमने लास्ट में बात किया था, जो कि डाई 1,2-डाई साइक्लोहेक्सानॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन बाय ऑर्गेनिक पैरासिट। ऑक्सीडेशन बाय ऑर्गेनिक पर एसिड ऑक्सीडेशन बाय ऑर्गेनिक पर एसिड, ठीक है। ऑक्सीडेशन बाय ऑर्गेनिक पर एसिड मतलब जिसमें एक ऑक्सीजन एसिड ग्रुप से ज्यादा होगी, ऑक्सीडेशन बाय ऑर्गेनिक पर एसिड इज कॉल्ड बेयर बिलेजर्स ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं बेयर बिलेजर ऑक्सीडेशन, तो दिस इज कॉल्ड बेयर बिलेजर ऑक्सीडेशन। तो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द बेयर बिलेजर ऑक्सीडेशन, तो पर एसिड यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दो बातें और कर लेते हैं, aldehydes are oxidized in एसिड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है एसिड के अंदर, एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज इन एसिड। कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज इनटू एस्टर्स, कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज इनटू एस्टर्स। तो एल्डिहाइड होगा तो एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इफ देयर इज कीटोन तो वो एस्टर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज इनटू एसिड एंड द कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज इनटू द एसिड, तो दिस इज बेयर बिलेजर ऑक्सीडेशन। इसको हम कहते हैं बेयर बिलेजर ऑक्सीडेशन। तो अब इसके स्टेप्स देखते हैं, व्हेन देयर इज RCHO एनी ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप्स देयर बाय परोक्सी एसिड, तो परोक्सी एसिड में C6H5COOH यूज कर सकते हो आप, परोक्सी एसिटिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। तो नाउ द प्रोडक्ट इज रेडी RCOOH, और ये परोक्सी बेंजोइक एसिड जो था अब अपना ऑक्सीजन लॉस करके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देयर इज द बेयर बिलेजर ऑक्सीडेशन। अब अगर कीटोन है मेरे पास CH3COCH3 with peroxy benzoic acid. Now it again donate an oxygen towards ketone and the compound is CH3COOCH3 methyl acetate, और आपका जो acid group है वो वापस से आपको मिल जाएगा। तो now you'll get your acid group free, आपका acid group up फ्री हो गया है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेयर बेलेजर ऑक्सीडेशन। हियर द कंपाउंड इज मिथाइल
एसीटेट। तो यहां पे जो कंपाउंड है वो मिथाइल एसीटेट है, इसको हम कहेंगे बेयर बिलेजर ऑक्सीडेशन, दिस इज कॉल्ड बेयर बिलेजर ऑक्सीडेशन। तो अल्डिहाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिड एंड कीटोन्स आर कन्वर्टेड इनटू एस्टर, दिस इज बेयर बिलेजर ऑक्सीडेशन। अगर यही सेम टू सेम रिएक्शन हम परोक्सी एसिड से इंस को अगर ऑक्सीडाइज करते हैं, अगर हम इसको परोक्सी एसिड से इंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, मैंने आपको बताया भी था, तो मे बी परोक्सी एसिटिक और परोक्सी बेंजोइक एसिड इज टेकन, तो वहां पे भी हम परोक्सी एसिटिक या परोक्सी बेंजोइक एसिड ले सकते हैं। नाउ द कंपाउंड इज 1,2 इथाइलिन इपॉक्साइड, इथाइलिन इपॉक्साइड इज द कंपाउंड 1,2 इपॉक्सी इथेन, 1,2 इपॉक्सी इथेन और CH3COH पार हो जाएगा, 1,2 इपॉक्सी इथेन इज द कंपाउंड, 1,2 इपॉक्सी इथेन इज द कंपाउंड दैट टाइम। इफ द रिएक्टेंट इज लाइक दिस, अगर हमारा रिएक्टेंट ऐसा है, नाउ परोक्सी बेंजोइक एसिड और परोक्सी एसिटिक एसिड इज टेकन हियर एज अ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CH CH, ऑक्सीजन दोनों के बीच में जिनके बीच में बॉन्ड लगा था, तो 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन, 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन इज द कंपाउंड। तो व्हेन इंस आर ऑक्सीडाइज्ड बाय परोक्सी एसिड, इंस आर ऑक्सीडाइज्ड बाय परोक्सी एसिड, देन इट गिव्स इपॉक्सी कंपाउंड, तब इपॉक्सी कंपाउंड बनते हैं एंड इट इज नोन एज प्रिलिस्टिव्स रिएक्शन, इट इज नोन एज प्रिलिस्टिव्स रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं प्रिलिस्टिव्स रिएक्शन, प्रिलिस्टिव अभिक्रिया। ठीक है, तो ये परोक्सी एसिड से ऑक्सीडेशन है इंस का, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ इंस बाय परोक्सी एसिड। तो इंस को अगर हम परोक्सी एसिड से ऑक्सीडाइज कराएंगे, तो इपॉक्साइड्स आर द कंपाउंड, इथाइलिन इपॉक्साइड, ब्यूटालिन इपॉक्साइड लाइक दिस, और यहां पे 1,2 इपॉक्सी इथेन, 1,2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन हमने एज अ प्रोडक्ट बनाया था। तो ये, और इस रिएक्शन को हम बेयर बिलेजर ऑक्सीडेशन भी नहीं कहते हैं, इसको प्रिलिस्टिव्स ऑक्सीडेशन कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो मैंने मेंशन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन, अगर सिमेट्रिकल कीटोन है, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल साइक्लिक कीटोन, अगर सिमेट्रिकल साइक्लिक कीटोन है, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल साइक्लिक कीटोन, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस बिटवीन कार्बोनाइल एंड अल्फा कार्बन, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस बिटवीन अल्फा कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, तो कार्बोनाइल ग्रुप का जो अल्फा पोजीशन है उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। जैसे ये साइक्लिक कीटोन है, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट लेते हैं वो है जो कैटलिस्ट, जो मतलब रिएक्टेंट है CF3COOH ट्राईफ्लोरोपरोक्सी एसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरोपरोक्सी एसिटिक एसिड, तो दैट इज फंक्शनल ग्रुप, और ये दो इसकी अल्फा पोजीशन है, तो दैट इज टू अल्फा पोजीशन, तो 1, 2, 3 और 4 इसके पास CH2 ग्रुप थे, तो 4 CH2 ग्रुप वाला कंपाउंड एज इट इज रहेगा, देयर इज इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन अल्फा पोजीशन, तो 2 इसके पास अल्फा पोजीशन है, तो दोनों अल्फा पोजीशन में से एक में ऑक्सीजन इंसर्ट कर जाएगा, मतलब ऑक्सीजन इंट्री कर लेगा। ठीक है,
तो ये हो गया आपका 1, 2 और ये कंपाउंड फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड ऐसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं लैक्टॉन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड लैक्टॉन। ओके, तो ये आपके पास देखिए 1, 2, 3, 4 चार जगह आपके पास कार्बन वाले थे, 1, 2, 3, 4 जगह आपके पास कार्बन वाले हैं। 6 मेंबर्ड रिंग हो गया जिसमें 2 ऑक्सीजन है और 4 कार्बन है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड लैक्टॉन। इस कंपाउंड को हम लैक्टॉन कहते हैं। तो अल्फा पोजीशन जो है वहां पर ऑक्सीजन इंसर्ट कर जाएगी इन केस ऑफ साइक्लिक, ठीक है। तो इट इज अबाउट द बेयर बेलिजर ऑक्सीडेशन, ये हमने बात किया बेयर बेलिजर ऑक्सीडेशन के बारे में। तो ये क्लियर हो गई बात अबाउट बेयर बेलिजर ऑक्सीडेशन, अबाउट बेयर बेलिजर ऑक्सीडेशन। और कोई भी कीटोन होगा तो वो कहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतनी बात ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ऐसा कंपाउंड है CH3CO C6H5, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन बाया पारोक्सी एसेटिक एसिड, बाया पारोक्सी एसेटिक एसिड, पारोक्सी बेंजोइक भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन जाएगा CH3COO C6H5 फिनाइल एसीटेट, तो कंपाउंड आ जाएगा, दिस टाइम द कंपाउंड इज फिनाइल एसीटेट। तो ये कंपाउंड आ गया आपके पास फिनाइल एसीटेट। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन वाले स्टेप पर बात करते हैं। तो रिडक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होगी उस टॉपिक पे बात करते हैं। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और इसमें पहला स्टेप देखते हैं सिंपल रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो निकल के प्रेजेंस में लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, निकल के प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो निकल की जगह पैलेडियम या प्लैटिनम भी यूज हो सकता है। एंड द हाइड्रोजन इज देयर एंड दिस हाइड्रोजन इज यूज टू कन्वर्ट CHO ग्रुप इनटू CH2OH ग्रुप, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा CHO ग्रुप को CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो अगर एल्डिहाइड है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड के साथ क्या बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। इफ देयर इज कीटोन इट इज कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, अगर कीटोन है तो प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको सेकेंडरी अल्कोहल। तो दिस इज सिंपल रिडक्शन ऑफ अल्कोहल्स, ओके। तो सिंपल रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड विद निकल इनटू अल्कोहल। तो अगर एल्डिहाइड कीटोन को आप निकल के थ्रू रिड्यूस करते हो तो सिंपली ये चेंज हो जाएगा अल्कोहल के अंदर। अब दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं, दैट इज जिंक HG कॉन्सेंट्रेटेड HCl, हम लोग इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। तो रिडक्शन स्टेप में सेकंड जिंक HG कॉन्सेंट्रेटेड HCl, दिस इज नोन एज क्लेमेंसन्स रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्या कहते हैं इसको क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। कैटलिस्ट क्या है जिंक के साथ HG, जिंक के साथ HG, और जो भी मेटल जिंक के साथ मिक्सचर बनाता है, व्हेन मेटल इज मिक्स अप विद जिंक, और मोस्ट ऑफ द मेटल आर मिक्स अप विद जिंक, है ना। तो जो मेटल जिंक के साथ मिक्सचर बनाता है उसको हम कहते हैं जिंक अमलगम, जिंक अमलगम। तो क्या हो जाएगा अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मर्क्यूरी, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मर्क्यूरी इज कॉल्ड अमलगम। तो मर्क्यूरी
का किसी मेटल के साथ जो मिक्सचर है उसको हम अमलगम कहते हैं, ठीक है। और सिल्वर अमलगम जो होता है, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर ले यहां, सिल्वर अमलगम जो होता है वो डेंटल फिलिंग्स के लिए यूज होता है, जिसके दांतों में होल्स हो जाते हैं उसको फिल करने के लिए हम यूज करते हैं सिल्वर अमलगम, ए जी एच जी कॉम्बिनेशन, ए जी एच जी कॉम्बिनेशन कॉल्ड सिल्वर अमलगम, सिल्वर अमलगम, सिल्वर अमलगम का यूज करते हैं सिल्वर अमलगम फॉर डेंटल फिलिंग, डेंटल फिलिंग्स, ओके। तो दांत में जब छेद हो जाएगा तो उसको भरने के लिए सिल्वर अमलगम यूज करते हैं। अभी एक दो साल पहले ही ऐसा एक क्वेश्चन आया कि कौन सा मेटल है जिसके अंदर, जिसके बने हुए कंटेनर के अंदर हम मर्क्यूरी को कैरी कर सकते हैं, कौन सा मेटल है जिससे बने हुए कंटेनर के अंदर हम मर्क्यूरी को कैरी कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल डू नॉट फॉर्म अमलगम विथ mercury, do not form amalgam with mercury. So these are suitable metals, these are suitable metals, these are suitable metals to make the container, to make the container for carry mercury, okay. तो ये वो metals हैं जिनका container हम mercury को carry करने के लिए बना सकते हैं। Silver के साथ mercury का mixture silver amalgam, it is used for the dental fillings. And now अब आपको क्या एक और इंपॉर्टेंट बात बताया मैंने, आयरन, कोबाल्ट और निकल मर्क्यूरी के साथ अमलगम नहीं बनाते हैं। तो इसलिए इन मेटल्स के जो कंटेनर हैं, अब इनमें से किसी भी मेटल का कंटेनर आप यूज कर सकते हो मर्क्यूरी को एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी करने के लिए, और बाकी जितने भी मेटल्स हैं दुनिया में वो सब अमलगम फॉर्म करते हैं, मतलब दे आर कंटेनर आर नॉट सुटेबल फॉर कैरी मर्क्यूरी, क्योंकि वो रिएक्शन कर लेगा उनके साथ, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात और हो गया अमलगम से रिलेटेड। नाउ व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन, क्लेमेंसांस रिडक्शन, तो कार्बोनाइल्स आर रिड्यूस्ड बाय जिंक Hg concentrated HCl into CH2 group, तो कार्बोनाइल्स का कन्वर्जन हो जाता है CH2 group के अंदर। तो अगर नॉर्मल एसिटल्डिहाइड है तो ईथेन बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड है तो टॉलुइन बन जाएगा, तो अरोमेटिक होंगे तो आरिन्स बन जाएंगे और नॉर्मल होंगे तो अल्केन्स बन जाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो देखो CH3CHO, और यहां पे जो रिडक्शन का प्रोसेस है वो इस तरीके से कैरी ऑन करेंगे हम, जिंक एच जी कॉन्सेंट्रेट एच सी एल इज द कैटलिस्ट हियर, और ये दो ऑक्सीजन वाटर निकालने के काम, एक ऑक्सीजन वाटर के निकलने के काम में आएगी, दो हाइड्रोजन वहां पे आ जाएंगे, सी एच पहले से ही था, दो हाइड्रोजन और आ गई तो सी एच थ्री हो गया, तो इट इज कन्वर्टेड इन टू इथेन, तो एसिटल्डिहाइड से इथेन बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड टू इथेन। इफ द रिएक्टेंट इज एसीटोन, अगर रिएक्टेंट एसीटोन है मेरे पास तो रिएक्टेंट एसीटोन को कन्वर्ट कर देगा, देखिए वाटर निकाला CO को CH2 में कन्वर्ट कर दिया, तो नाउ CH3 और ये CO CH2 में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोपेन इज द प्रोडक्ट, प्रोपेन यहां पे प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। अब इसमें रिएक्टेंट्स कैसे भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे केवल इतनी बात ध्यान रखनी है कि CO ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है, CO ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होगा इन द क्लेमेंसांस रिडक्शन। मैंने आपको बताया कि मोड ऑफ
रिएक्टेंट्स लिखने के तरीके को बदल देते हैं, उससे वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन हमें कोई काम नहीं करना है, केवल ये ध्यान रखना है क्लेमेंसंस में CO ग्रुप जो है वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो नाउ द प्रोडक्ट इज टॉलुइन, अब बन गया है टॉलुइन। तो हियर टॉलुइन इज द प्रोडक्ट, टॉलुइन इज द प्रोडक्ट, है ना। और अगर मेरे पास साइक्लोहेक्सानॉन होगा, साइक्लोहेक्सानॉन, तो देन इन केस ऑफ साइक्लोहेक्सानॉन दैट इज रिमूवल ऑफ H2O एंड नाउ बोथ द हाइड्रोजन इज एब्सॉर्ब हियर, CO था अब CH2 बन गया है, तो नाउ द प्रोडक्ट इज साइक्लोहेक्सेन। क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा मुझे इस रिएक्शन में? साइक्लोहेक्सेन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन इज द प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। लास्ट वाले में साइक्लोहेक्सानॉन का कन्वर्जन हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन के अंदर। तो इफ देयर इज डाइफेनाइल मीथेन, अगर मान लो मेरे पास डाइफेनाइल, मैं बहुत सारे रिएक्टेंट्स इसलिए लिखता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके नोट्स से आने की प्रोबेबिलिटी रहे, आपको ज्यादा संघर्ष न करना पड़े, इसलिए बहुत सारे रिएक्टेंट्स को मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता हूं। नॉर्मली तो एक ही बार लिख देता मैं RCHO RCH2, खत्म हो जाता, बट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हमारा प्रैक्टिस का समय है, अभी हम सब कुछ A to Z सब कुछ प्रैक्टिस में ला रहे हैं, इसलिए हम इसको पूरा लिखते भी हैं, ठीक है। अदरवाइज जब हम लोग पूरी प्रैक्टिस खत्म कर लेंगे, एक बार पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से, तो फिर बहुत ही स्पीड से रिवाइज कर सकते हैं। अभी जो हमारा रेगुलर 2020 का नीट का बैच चल रहा था, उसमें हमने लास्ट आवर्स में लगभग 2 hours ऑफ ईच ब्रांच, 2 hours फॉर फिजिकल, 2 hours फॉर इनऑर्गेनिक एंड 2 hours फॉर ऑर्गेनिक, में ही 6 hours में पूरे सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज किया, है ना। तो अब वो वाले लेक्चर्स भी होंगे, लेकिन आप क्या करोगे उनको अभी देख करके। तो डाइफेनाइल मीथेन इज द प्रोडक्ट, डाइफेनाइल मीथेन यहाँ पे आपको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो डाइफेनाइल कीटोन इज कन्वर्टेड इन टू डाइफेनाइल मीथेन। तो एनी वेयर कार्बोनाइल ग्रुप इज देयर, कार्बोनाइल ग्रुप किसी भी रिएक्टेंट पर जुड़ा हुआ है, अगर आपको जिंक HG कॉन्सेंट्रेटेड HCl दिखता है तो कार्बोनाइल्स को कन्वर्ट कर देना है CH2 ग्रुप में, दैट कार्बोनाइल इज कन्वर्टेड इन टू CH2 ग्रुप। कार्बोनाइल को हमको CH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है, यह है क्लेमेंसंस रिडक्शन। अगला रिएक्शन फिर से रिपीटेड रिएक्शन है, वॉल्फ किशनर्स रिडक्शन। तो वो बेसिकली वो एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है, तो उसको यहां आना चाहिए, है ना। वॉल्फ किशनर्स रिडक्शन, वॉल्फ किशनर रिडक्शन, वॉल्फ किशनर्स रिडक्शन। और वॉल्फ किशनर रिडक्शन में हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन को पहले हाइड्राजीन के साथ ट्रीट करते हैं, और इस सीरीज की हमने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ा है, तो अब आपको ये पूरे क्लियर है कि कैसे कैरी ऑन करेंगे। एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड आर कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजीन, फॉर्मूला इज NH2 हाइड्रोजीन टू गिव हाइड्रोजोन, द न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रोजोन, जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम हाइड्रोजोन कहते हैं। ऑन हीटिंग इट इज डिकम्पोज into CH2 ग्रुप, तो हीट करने पर वो CH2 ग्रुप में डिकम्पोज हो जाएगा, या alkanes और arenes में डिकम्पोज हो जाएगा। इट इज डिकम्पोज into alkanes and arenes
ओके, तो दिस इज वॉल्फ किशनर्स रिडक्शन. तो स्टार्ट करते हैं, एसिटल्डिहाइड विथ हाइड्रोजीन. द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजीन इज NH2. एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजीन के साथ. तो फर्स्ट बाय प्रोडक्ट इज हियर वाटर. नाउ CH3 CH डबल बॉन्ड NH2. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन. एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन कहेंगे इसको हम. जब दोबारा से इसको हम हीट करेंगे तो एलिमिनेट द नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को एलिमिनेट कर देगा और ये ग्रुप अब आपका CH2 में चला गया. एक H पहले से था तो CH3 हो गया प्लस N2, तो प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे इथेन. इथेन इज द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन. ओके, अब अगर मैं इसको किसी कीटोन से कैरी ऑन करूंगा तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी. बेंजल्डिहाइड से भी ये रिएक्शन हो जाएगी. तो देर आर प्रैक्टिस ऑफ सो मैनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. और ये है वॉल्फ किशनर रिडक्शन. तो हाइड्रोजीन से जब कैरी ऑन करते हैं तब इसको हम वॉल्फ किशनर रिडक्शन कहते हैं, ये ध्यान रखना है. तो स्पेसिफिकली हर रिएक्शन को बार बार जब आप रिपीट करेंगे तभी वो आपको ध्यान में रहेगी, नहीं तो सब भूल जाएगी. ऑर्गेनिक इज वेरी वेरी वॉलेटाइल. ऑर्गेनिक जो है वो बहुत वॉलेटाइल है. बहुत अच्छा भी है, इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, बट वॉलेटाइल भी है. दूसरी बात ये करना है कि इन पे क्वेश्चंस जरूर लगाने हैं. रोज एक हैबिट बनाइए ऑब्जेक्टिव्स को करने की. एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 30 ऑब्जेक्टिव, 30 से टारगेट करेंगे तो धीरे धीरे वो हर महीने में उसमें आप 5-5 बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास ऑब्जेक्टिव का बहुत सारा बड़ा लिस्ट तैयार हो जाएगा. ठीक है, वैसे तो जो DPPs रहते हैं और आपके जो टास्क पेपर्स रहते हैं इट इज सफिशियंट, वो बहुत सफिशियंट है. लेकिन क्या होता है, एक बार करने के बाद आप दोबारा अगर उसको नहीं करोगे तो वो भी मिस हो जाएगा. इसलिए उसको ही बार बार करेंगे तो भी काम हो जाएगा. N2 एलिमिनेट हुआ यहाँ पे एंड नाउ द प्रोडक्ट इज प्रोपेन. CH3 CH2 ये बना प्रोपेन. तो ये ध्यान रखना है डेली प्रैक्टिस पेपर और जो वीकली टास्क पेपर होता है उसको सिंसियरली करना है. और अगले वीक में जब तक वो दोबारा टेस्ट पेपर आने वाला है तब तक उन पेपर्स को एक बार दो बार जितना आपके पास समय निकलता है उतना और टच कर लीजिए, तो उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहेगी. ठीक है, और ऑब्जेक्टिव बुक्स भी करेंगे तो ऑलमोस्ट पूरी अपने आप बन जाएगी क्योंकि सभी क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव बुक से रहते हैं. इट मे बी ओल्ड क्वेश्चंस आल्सो, तो उसमें ओल्ड क्वेश्चन का भी पूरा कलेक्शन रहता है आपके पास. ओल्ड क्वेश्चंस जो पुराने सालों में आए हुए नीट और IITs के क्वेश्चंस हैं वो सब कवर करते हैं आपके लिए, तो वो प्रैक्टिस भी आपकी पूरी हो जाएगी. अब देखिए वाटर निकाला यहाँ पे, तो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू C6H5 CH डबल बॉन्ड NNH2. बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन. और बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन को जब हम हीट करेंगे तो नाइट्रोजन एलिमिनेट कर देगा एंड नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू टॉलुइन. तो यहां पे अब आपको टॉलुइन एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो विल गेट प्रोडक्ट टॉलुइन. तो टॉलुइन इज द प्रोडक्ट. तो एसिटल्डिहाइड से इथेन, एसीटोन से प्रोपेन और बेंजल्डिहाइड से मिल गया है प्रोडक्ट टॉलुइन. तो बेंजल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू टॉलुइन. बेंजल्डिहाइड का कन्वर्जन हो जाएगा टॉलुइन में. सो देयर इज कन्वर्जन ऑफ बेंजल्डिहाइड इनटू टॉलुइन. अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कीटोन्स पर. एक रिएक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं. अगला रिडक्शन का स्टेप जो कि स्पेशली कीटोन्स के लिए है. द नेक्स्ट रिडक्शन इज स्पेशली फॉर द
कीटोन्स। अगला जो रिडक्शन का स्टेप है वो स्पेशली कीटोन्स के लिए है, इसको हम पेनोकॉल फॉर्मेशन भी कहते हैं। विक डाइऑल, विसिनल मतलब कंटिन्यूअस कार्बन पर OH, ऐसा डाइऑल जिसमें कंटिन्यूअस कार्बन पर OH ग्रुप रहता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन देखो कैसे कैरी होता है, तो रिडक्शन ऑफ कीटोन्स, रिडक्शन ऑफ कीटोन्स बाय MgHg, मैग्नीशियम अमलगम, MgHg undergo कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग मतलब जुड़ना, कपलिंग रिएक्शन, undergo कपलिंग रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इज विसिनल डाइऑल, विक डाइऑल और पेनोकॉल भी बोलते हैं इसको, विक डाइऑल, विसिनल डाइऑल और पेनोकॉल, विसिनल डाइऑल और पेनोकॉल इज द प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन, ओके। तो विसिनल डाइऑल या पेनोकॉल इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो देखो RRCO और हाइड्रोजन रिडक्शन, दूसरा स्टेप मतलब रिएक्शन कैसे लिखना है उसकी बात कर रहा हूं मैं, हाउ टू एक्सप्रेस द रिएक्शन, और कैटलिस्ट है इसका MgHg, मैग्नीशियम अमलगम, और ये इसको ऐसा रिड्यूस करेगा, दोनों आपस में एड अप भी होंगे क्योंकि बैलेंस ही जब फ्री होगी तो दोनों, जो कपलिंग का मतलब ही होता है जुड़ना, कपलिंग मतलब जुड़ जाना है ना, तो दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएंगे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, हाउ टू एक्सप्रेस द प्रोडक्ट, RRCOH CoHRR, दिस इज कॉल्ड विक डाइऑल, और ये सिस डाइऑल भी होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना, सिस डाइऑल भी रहते हैं, विक सिस डाइऑल कहना चाहिए मुझे, विक सिस डाइऑल, नॉर्मल कंडीशन में सिस डाइऑल बनता है, सिस डाइऑल का मतलब अभी आपको अच्छे से पता है, सिस मतलब जब दोनों OH ग्रुप सेम साइडेड है, अपोजिट साइड में जाते हैं तो उसको ट्रांस बोलते, अपोजिट साइड में रहते तो ट्रांस बोलते, सेम साइडेड है तो कैसा बोलेंगे, सिस बोलेंगे। अब रिएक्शन के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं, तो देखो अगर एसीटोन से आप इसको स्टार्ट करोगे, एसीटोन इज एज अ रिएक्टेंट बाय रिड्यूस्ड बाय MgHg, तो 2 moles ऑफ कीटोन इज देयर, 2 moles ऑफ कीटोन इज रिड्यूस्ड एंड नाउ द प्रोडक्ट इज CH3CH3COH CoH CH3CH3, क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का, 1 2 3 4 1 2 3 4, 2,3-dimethylbutane 2,3-diol, 2,3-dimethylbutane 2,3-diol, और विक सिस डाइऑल का एग्जाम्पल है ये, विक सिस डाइऑल का एग्जाम्पल है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ विक सिस डाइऑल, विक सिस डाइऑल का एग्जाम्पल है ये, ओके। अब ओवरऑल कैसे कैरी ऑन होता है उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, ओवरऑल कैसे कैरी ऑन होता है, तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, तो मेनली हमको डायरेक्ट ही ध्यान रखना है, लेकिन कभी कभी मन में ऐसा आता है कि कैसे हुआ होगा, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो जैसे RRC OH है, तो ये बॉन्ड फिशन हुआ, तो ये नेगेटिव और ये आया मैग्नीशियम, और ये मैग्नीशियम के पास कुल 2 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में, है ना,
और ये दूसरा वाला हिस्सा आपका द सेकेंड पार्ट इज देयर, तो ये भी अपना क्लेविस करेगा, तो ये नेगेटिव, तो ये दोनों मैग्नीशियम को एक साथ जोड़ लेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, है ना। तो देयर इज द क्लेविस ऑफ बॉन्ड इज देयर, तो ये बनाएगा कंपाउंड आपका, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ऑक्सीजन की तरफ। तो फाइनली इट इज अटैच्ड लाइक दिस, जो इसका फाइनल अटैचमेंट होगा वो ऐसा रहेगा, आर आर सी, और सी के साथ था एक ऑक्सीजन, और यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री, मतलब ये बॉन्ड फिशन हुआ तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का कार्बन का फ्री रह जाएगा, है ना, और ये आर और ये आर और ये डबल बॉन्ड ओ था, तो ये सिंगल बॉन्ड ओ माइनस हो जाएगा, ये ओ माइनस हो जाएगा, मैग्नीशियम दोनों को इलेक्ट्रॉन देके जुड़ जाएगा। तो शुरू में इस टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, फिर इसके बाद इसको हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, तो वाटर के साथ इसको ट्रीट करेंगे, तो ये हो जाएगा HOH और ये हो जाएगा HOH, ओके। अब यहां से देखो मैग्नीशियम बाहर निकलेगा, MgOH होल ट्वाइस बनाता होगा, और ये RR CO वाला जो कंपाउंड है ये एक H मिलेगा तो OH हो जाएगा, तो वहां का बॉन्ड अलग हो जाएगा, है ना, वहां से जो बॉन्ड अलग होगा तो अगला जो हिस्सा होगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे, ये OH हो जाएगा और ये वाला जो ग्रुप है ये RR हो जाएगा, और फाइनली MgOH होल ट्वाइस बाहर आ जाएगा। MgOH होल ट्वाइस इज द पासिस आउट हियर, तो MgOH होल ट्वाइस बाहर आ गया और ये विक डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पिनाकॉल, इसको हम कहते हैं पिनाकॉल फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड पिनाकॉल फॉर्मेशन। तो इस रिएक्शन को पिनाकॉल फॉर्मेशन कहते हैं। अब इसमें एक और बात ध्यान रखना है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, तो दैट इज व्हेन रिएक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ MgHg एंड टाइटेनियम क्लोराइड, अगर टाइटेनियम क्लोराइड को एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, साथ में MgHg के साथ टाइटेनियम क्लोराइड भी है, रिएक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ MgHg एंड TiCl4, टाइटेनियम क्लोराइड भी अगर यूज कर रहे हैं, तो देन प्रोडक्ट इज ट्रांसविक डाईऑल, ट्रांसविसिनल डाईऑल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रांसविसिनल डाईऑल का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस कंडीशन में ट्रांसविसिनल डाईऑल बन जाएगा। इफ द रिएक्टेंट इज लाइक दिस साइक्लोहेक्सानॉन एंड कंडीशन इज द मेंशन, है ना, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो ये साइक्लोहेक्सानॉन की जो कंडीशन होगी वो कैसी हो जाएगी, देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइक्लिक रिंग विथ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसविक डायऑल, ट्रांसविक डाईऑल। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर टाइटेनियम क्लोराइड भी रहेगा MgHg के साथ तो ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा इन केस ऑफ MgHg टाइटेनियम क्लोराइड, तो MgHg टाइटेनियम क्लोराइड रहेगा तो ट्रांसडायोल बन जाएगा। एक और रिएक्शन पर बात करते हैं इस सीरीज में, बेंजल्डिहाइड से अगर कैरी ऑन करना है
तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर कैटलिस्ट NaC2H5OH लगेगा। तो बेंजाल्डिहाइड इज द C6H5CHO, बेंजाल्डिहाइड इज द C6H5CHO एंड हियर द कैटलिस्ट इज सोडियम इथेनॉल, मतलब कैटलिस्ट चेंज हो गया इसके रिडक्शन का, सोडियम इथेनॉल एंड अगेन गिव सिस डायऑल, सिस विक डायऑल, सिस विक डायऑल। तो बेंजाल्डिहाइड से अगर जाएंगे कैटलिस्ट NaC2H5OH, ठीक है, तो NaC2H5OH कैटलिस्ट यूज करेंगे तो विक सिस डायऑल बन जाएगा प्रोडक्ट, विक सिस डायऑल, सिस डायऑल इज द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। ये सब कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हैं, सिंपली हमको ध्यान रखना है कि पिनाकॉल बनेगा और आपसे उससे ज्यादा पूछेंगे भी नहीं, लेकिन कैरी ऑन करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि बाई चांस अगर कभी कुछ पूछ लिया तो, इसलिए ये सब चीजें भी एक्स्ट्रा ऐड की जाती है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में अल्डोल कंडेंसेशन और उससे आगे के रिएक्शन पर बात करेंगे।